नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, जब कोई व्यक्ति अंधकार में घिरा हुआ रहता है तो उसको रोशनी की एक छोटी सी किरण भी बहुत अच्छी लगती है, उसके मन को संबल देती है। और खास करके जब वो परेशानी का पीरियड प्रोलॉन्ग्ड हो तो फिर व्यक्ति हर छोटे छोटे गुड न्यूज़ को भी, हर ब्लेसिंग्स को वो काउंट करता है और उसको सेलिब्रेट करता है। हम लोगों के यहाँ भी जो ट्रांजिट का समय है, पिछले 6 महीने से जो समय चल रहा है वो इतना मुश्किल है कि अब धीरे धीरे जाकर हम लोगों को छोटे छोटे गुड न्यूज़ मिलना शुरू हुए हैं। सबसे पहले शुक्र मार्गी हुए, फिर बुध मार्गी हुए, और आज सूर्य, जो कि पिछले कई महीनों से बहुत अनकंफर्टेबल चल रहे थे, वो अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, कर्क राशि में, और काल सर्प योग को ब्रेक कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है हम लोगों के लिए, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर राशि को इसका क्या फायदा होगा और किन राशियों को छोटे छोटे उपायों को करके कैसे अपने समय को सही बना सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज हर राशि के लिए मैं आपको दूंगा, और आप इसको करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 5-6 महीने से काल सर्प योग लगा हुआ था, और पिछले 5-6 महीने का एक्सपीरियंस क्या था यह हम सभी लोगों को पता है, और खास करके पिछले 2 महीने से तो सन, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं, एनर्जी के स्रोत हैं, हमारे पृथ्वी पर लाइफ इन्हीं के वजह से है, ये सन जो है ये बहुत पीड़ित और बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत अनकंफर्टेबल थे। सबसे पहले तो वृषभ राशि में अपने दुश्मन की राशि में आए और वहां शुक्र अपने दुश्मन के साथ बैठे हुए थे, बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। फिर मिथुन राशि में आए, मिथुन राशि उनके लिए राशि तो ठीक ठाक है, लेकिन वहां राहु महाराज से उनकी मुलाकात हुई, और राहु के साथ थे, जब भी सूर्य आते हैं तो वो सन के लिए बहुत ही बुरा समय होता है, राहु उनको ग्रस लेते हैं, ग्रहण लगता है, और इस बार भी ग्रहण लगा 21 जून को। सो द सन वॉज वेरी अनकंफर्टेबल पिछले 2-3 महीनों से। आज अभी लगभग 9:30 बज रहा है, 1 घंटे के बाद सन मिथुन राशि से राहु केतु एक्सिस को तोड़ते हुए अपने परम मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसको एक कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं। सूर्य को इस सौर मंडल का राजा कहा गया है और चंद्रमा को रानी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो अभी तक सूर्य जो मलेच्छों से घिरे हुए थे वो वहां से निकलकर और रानी के घर में पहुंच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिलीफ होगा सन के लिए, और जब सन को रिलीफ मिलेगा तो हम सभी को, इस पूरे सोलर सिस्टम को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा। आज का एक और भी महत्व है, आज से सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं। ये दक्षिणायन का पीरियड जो होता है हमारे इंटरनल अवेकनिंग का पीरियड होता है। आप देखिएगा, हिंदू धर्म के जितने भी बड़े त्यौहार हैं वो सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तभी होते हैं। अब बस शुरू हो जाएगा, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, पितरों का पक्ष, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, भाई दूज, ये सभी त्यौहार, सभी बड़े त्यौहार हिंदू धर्म के इसी समय में आते हैं। सो ये समय कुछ खास है, और खास करके पिछले 5-6 महीने से जो केओस था, जो अफरा तफरी थी इस पूरे विश्व में, उसके बाद ये बढ़िया रिलीफ लेकर आएगा, एक राहत की सांस देगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग राशिवार शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय सो सो रहेगा। आपके साथ दिक्कत क्या है, ये समय अच्छा हो सकता है आपके लिए। आपको करना क्या होगा कि आपको सिर्फ अपने झुंझलाहट, अपनी खीस, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। ये आपके चौथे घर में हो रहा है ट्रांजिट, तो सुखों की वृद्धि करेगा, बशर्ते आप अपनी खीज को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें।
और आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रेमेडी है, तांबे के लोटे में जल लेकर डेली थोड़ा सा उसमें अक्षत मिला दीजिए और सिंदूर मिला दीजिए, और उससे ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को डेली सुबह सुबह अर्घ्य दीजिए। यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय होंगे और ये आप डेली कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए ये आपके तीसरे भाव में है, चौथे भाव के स्वामी तीसरे भाव में है, एक्सलेंट रहेगा यह समय, बहुत बहुत बढ़िया समय रहेगा। आप यदि आईटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप यदि ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, या किसी भी काम से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये पराक्रम का समय है। पिछले 2-3 महीने से जो आप बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ चल रहे थे वो अब खत्म होगा और अब आप एक्शन मोड में आएंगे। लेकिन इसके लिए है क्या है कि आप जो कंफर्ट मोड में थे उसको छोड़ना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, और इस समय में आप जिस चीज को छू दीजिएगा वो चीज सोना हो जाएगा। ये बहुत ही एक्सलेंट समय है आपके लिए। करना क्या है आपको रेमेडी में, आप रोटी में थोड़ा गुड़ मिलाकर उसको लपेट कर और गाय का जो बछड़ा होता है मेल बच्चा उसको खिलाइए। यदि मेल बच्चा गाय का नहीं मिलता है तो बछिया को खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए, बहुत फायदा करेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय सो है। आपके दूसरे भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है, आपको सबसे पहले तो अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर फूड खाइए, समय पर खाना खाइए, और आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ एनिमीज, आप बहुत सारे दुश्मन बना सकते हैं अपने घर में भी और घर के बाहर भी। आपके लिए एक्सलेंट रेमेडी रहेगा, आप सुबह सुबह डेली या जब भी आपको मौका मिलता है कोई ना कोई गुरु वाणी सुने, आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, यार गुरु आपके नहीं भी हैं तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, मुरारी बापू हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उनको आप सुनिए। और आप क्या कीजिए, सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं तो ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। कर्क राशि वालों के लिए आपके ये लग्न में सूर्य आ रहे हैं, आप बिल्कुल सूर्य की तरह दैदिप्यमान होकर चमकेंगे अगले 1 महीने तक। एक्सेलेंट टाइम है आपके लिए। जैसा मैंने वृषभ के लिए कहा, आप भी जिस चीज को छू देंगे सोना हो जाएगा, आपको जबरदस्त रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका यश फैलेगा, आप हेल्थ वाइज भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे और इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, कंपैशनेट भी रहेंगे, लोगों की मदद भी करेंगे। आपको करना क्या है रेमेडी के रूप में, आप जो स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा 5-10 बूंद दूध मिलाकर आप डेली स्नान कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। सिंह राशि, और ये जो मैं बता रहा हूं राशि और लग्न, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं राशि से माने या लग्न से माने, आप राशि या लग्न दोनों से इसको समझ सकते हैं। सिंह राशि या सिंह लग्न, इन लोगों के लिए यह समय डिफिकल्ट रहेगा। आपके राशि के स्वामी सूर्य 12वें भाव में है, 12th हाउस में, आपको सबसे पहले तो 8 घंटे का नींद आप डेली लीजिए, नियम से रेस्ट प्रॉपर कीजिए, खाना टाइम पर खाइए, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहिए, अथॉरिटीज कानून के विरुद्ध मत जाइए, कोई ऐसा काम मत कीजिए कि कानूनी पचड़े में आप फंस जाए। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और आपके लिए एक्सेलेंट रेमेडी है कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या किसी भी बीमार व्यक्ति को या किसी हॉस्पिटल में आपका जितना भी आपसे बनता है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कुछ आप डोनेट कीजिए। कन्या राशि या कन्या लग्न, आप लोगों के लिए भी ये बहुत बहुत बढ़िया समय है। आपके 11वें भाव में है ये ट्रांजिट, आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े लोगों का साथ मिलेगा। ये काम आपके लिए निष्काम कर्म करने का है, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु, बिना फल की चिंता किए हुए आप कर्म कीजिए और आप देखिए फल आपको भगवान देंगे। आपको कहाँ से फायदा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना बढ़िया टाइम है आपके लिए। और खास करके आप यदि ट्रेडिंग बिजनेस में, और उसमें भी यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हैं, तो अपने आप आपको काम मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड फायदे मिलेंगे, बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। 1 महीने में जो करना है कर लीजिए,
आपके लिए उपाय क्या है, डेली सूर्य नमस्कार कीजिए, वो जो एक्सरसाइज होता है सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार कीजिए तो मंत्रों के साथ कीजिए, उसके बहुत छोटे छोटे मंत्र होते हैं, सूर्य के 12 राशि के अलग अलग 12 मंत्र हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, आप कहीं भी ढूंढेंगे यूट्यूब पर या गूगल पे आपको मिल जाएगा। कम से कम 6 सूर्य नमस्कार आप डेली कीजिए, बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। इसके बाद आता है तुला राशि या तुला लग्न, ये आपके 10वें भाव में है, 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र हुआ, आपका वर्क प्लेस हुआ, वर्क प्लेस पे आपका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट रहने वाला है, आपको जो भी गोल्स मिलेगा, जो भी टारगेट्स मिलेंगे उसको आप अचीव कीजिएगा, और इसके वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा वर्क प्लेस पे, इसके वजह से जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपसे बहुत खुश होंगे, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, हो सकता है सैलरी हाइक मिल जाए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। रेमेडी छोटा सा करना है, डेली घर से निकलिए तो थोड़ा सा दही खाकर निकलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके 9वें भाव में ट्रांजिट है, ये समय है आपका कॉन्शियस एलिवेशन का, कॉन्शियसनेस एलिवेशन, अपनी चेतना को जगाने का और उसको एक हायर लेवल पे ले जाने का, गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है, अपने गाइड से जुड़ने का समय है, लंबी दूरी पर बहुत दूर बैठे हुए लोगों के साथ कनेक्टिविटी का टाइम है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने का समय है, स्पिरिचुअल चीजों को सुनने का समय है। आपके लिए रेमेडी क्या है, आप मंगलवार और रविवार को गुड़ का सेवन कीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। इसके बाद आता है धनु राशि या धनु लग्न, आपके 8वें भाव में ये ट्रांजिट है, डिफिकल्ट टाइम रहेगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, पारिवारिक भी और वर्क से रिलेटेड भी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहां से सूर्य आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है और आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, और सूर्य को जो अर्घ देते हैं जल से, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर आपको अर्घ देना है। इससे क्या है, छोटे मोटे चोट लगने की भी संभावना इस महीने में है आपको, ये सब चीज आपका बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मकर राशि वाले या मकर लग्न वाले आपके 7th भाव में है, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, पत्नी, इन सभी चीजों को बैलेंस करने का समय है। रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको, लेकिन यू विल हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। यदि बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो सडनली आपको पता चलेगा आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या पत्नी के साथ मनमुटाव हो गया, तो चीजों को बैलेंस करके चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत सिंपल उपाय है, आप जब सुबह को अर्घ्य देते हैं तो जहां पे वो अर्घ्य का जल गिरता है वहां की मिट्टी का थोड़ा सा मिट्टी लेकर आप तिलक कर लीजिए और उसके बाद आप निकलिए, बहुत फायदा होगा आपको। इसके बाद आता है कुंभ, कुंभ राशि या लग्न आपके लिए 6ठा भाव है, रोग, ऋण और दुश्मन, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसको आपको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे, अच्छे कर्म करके, गुस्सा पे कंट्रोल रख के, हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है। हालांकि ये बात है, इस समय में आपकी कंपेटिटिवनेस बहुत अच्छी रहेगी, आप किसी चीज में यदि पड़ेंगे जूझने के लिए तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, कोई किसी से दुश्मनी भी यदि हो गई तो आप उसको धूल चटा दीजिएगा, लेकिन ऐसा करना क्यों, आप दूसरों को हरा तो देंगे, उससे आपको हो सकती है थोड़ी खुशी मिले लेकिन टेंशन भी तो होगा, इसीलिए ये पीरियड है शांति से एक महीना निकालने का। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि मंगलवार को आप गुड़ का सेवन कीजिए और शनिवार को जब आप निकलते हैं अपने घर से तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख कर निकलिए, चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक ठाक चलेगा। उसके बाद मीन राशि या लग्न आपके 5वें भाव में है, ये क्रिएटिविटी आपका चरम पर होगा, बहुत नए नए आइडियाज आएंगे आपके ब्रेन में,
क्रिएटिव कार्यों की वजह से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कानूनी पचड़े में नहीं फंसे, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का टाइम है, लव रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने का टाइम है। आपके लिए भी सबसे बढ़िया उपाय है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए गायत्री मंत्र के साथ, ये आपको बहुत 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 फायदा देगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज के 12 राशि का ब्यौरा, बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रेमेडीज के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और करके देखिए, आपको लाभ होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो इन्हीं शब्दों के साथ, श्रावण का महीना चल रहा है, हर हर महादेव, भारत माता की जय, नमस्कार।